हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 13 एक तिनका का सारांश यानी भावार्थ को समझेंगे। अगर आप इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लें। प्लीज़ गाइस, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ और कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एक तिनका, जिनके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरा पड़ा। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। यहाँ पे घमंड का अर्थ होता है अभिमान, और ऐठा का अर्थ होता है अकड़ा, और मुंडेर का अर्थ हो रहा है छत की किनारा, तिनका का अर्थ होता है एक छोटा सा घास का, सूखा हुआ घास का टुकड़ा, जिसे हम लोग तिनका कहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत का भाग 2 में संकलित कविता एक तिनका नामक कविता से उद्धृत है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इस कविता में घमंड ना करने की सीख दी गई है। कवि एक बार घमंड से भरकर अकड़ा हुआ अपने घर की छत के मुंडेर पर खड़े थे, उसी समय अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आकर उनकी आंखों में पड़ गया, और पल भर में जरा सी निर्जीव वस्तु ने उनका सारा घमंड को चूर चूर कर दिया। इसलिए कवि कहते हैं कि कभी भी खुद पर किसी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। नेक्स्ट है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी, मुड देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। यहाँ पर झिझक का अर्थ होता है अचकचाहट, मुड का अर्थ हो रहा है यहाँ पे कपड़े का मोड़कर एक मोटा सा गोलाकार बनाया हुआ एक छोटा सा भाग, ऐठ का मतलब हो रहा है अकड़, और दबे पांव भागे का मतलब हो रहा है चुपके से निकल जाना। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने घमंड से भरे हुए यानी कवि के आँख में एक जरा सा भी तिनका पड़ जाता है तो वह अचानक अचकचा कर बेचैन हो उठता है, उसकी आँख पलभर में लाल हो जाती है और दुखने लगती है, लोग कपड़े की नोक से तिनका निकालने की कोशिश करने लगते हैं, कवि की सारी अकड़ गायब हो जाती है, उसका घमंड हवा में उड़ जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी डब से निकल तिनका गया तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यानी यहाँ पे कवि डप का अर्थ बताते हैं कि तरीका, और समझ का अर्थ होता है अक्ल बुद्धि, ताने देना यानी व्यंग करना, ऐठना का अर्थ होता है अकड़ना। उपयुक्त पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 संकलित कविता एक तिनका नामक पाठ से उद्धृत है, जिसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की है। इस कविता में घमंड न करने की सीख दी गई है। घमंड से भरे कवि की आंखों में एक तिनका पड़ते ही उसकी सारी अकड़ ढीली हो जाती है, लोग किसी तरह जब कपड़े की नोक से तिनका निकाल देते हैं तो कवि को थोड़ी राहत मिलती है, वह सोच में पड़ जाता है, उसकी अपनी बुद्धि उस पर व्यंग करती है कि वह किस बात पर आखिर इतना अकड़ रहा था, उसके घमंड को चूर करने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। यानी कवि कहते हैं कि कभी भी खुद पर किसी बात को लेकर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए एक छोटा सा यानी छोटा सा घास का सूखा हुआ कण ही बहुत है। अब आइए जान लेते हैं शॉर्ट में कविता के सारांश को। इस कविता के माध्यम से कवि ने घमंड न करने की सीख दी है। कई बार छोटे से छोटे चीज़ भी बड़े से बड़े घमंड को तोड़कर रख देती है। कवि ऐसे ही एक घटना का जिक्र कर रहा है। एक बार वह घमंड में भरा हुआ अपनी छत की मुंडेर पे खड़ा था, यानी छत के किनारे पे खड़ा था, तभी एकाएक कोई तिनका उसकी आंखों में पड़ जाती है, अचानक से वह बेचैन हो उठता है, आंख लाल हो जाती है और दुखने लगती है, लोग उसकी मदद करने के लिए और कपड़े से उसकी आँखों में पड़ा तिनका निकालने लगते हैं, पर जरा सा तिनका से लेखक का सारा घमंड उड़ जाता है। किसी तरह जब तिनका उसकी आंखों से निकल जाती है तो लेखक को अक्ल का उसे ताना देता है
कि वह किस बात की इतनी अकड़ कर रहा है, वह किस बात की इतनी घमंड कर रहा है। उसकी अकड़ को ढीला यानी उसके घमंड को तोड़ने के लिए एक जरा सा, एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। अगला वीडियो में हम लोग खान पान की बदलती तस्वीर का सारांश और उसका क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो को देखेंगे। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।